बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिरयानी बनाने लगी हूँ अपने तरीके से, और मैंने सारी चीज़ें रेडी की हुई हैं। मैं आपको सारा कुछ बताती हूँ। मैंने प्याज कट के तकरीबन 1.5-2 किलो के करीब, 2 किलो पूरा नहीं है, ठीक है। ये बिरयानी मसाला है, इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा डाला मैं बता देती हूँ। इसमें मैंने डाली है कलवंजी, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी ज्वाइन, चुटकी चुटकी सब कुछ ये डाला है मैंने। और इसमें मैंने डाला है, इसमें मैंने सूखा धनिया डाला है, ज़ीरा डाला है। सूखा धनिया और ज़ीरा मैंने तकरीबन ये वाला 1 चम्मच खाने वाला डाल दिया, ठीक है। और थोड़े से हर्ब्स डाली हैं, थोड़े से मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। अब सबसे पहले मैंने चिकन फ्राई करा। चिकन तकरीबन हमने 1.5-2 किलो के करीब लिया है, ठीक है। मैं अभी इसको पहले थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, फ्राई करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये है हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, और इसमें लहसुन जो है वो मैंने पूरी एक गुटी डाली है, और अदरक जो है तकरीबन 1.5-2 इंच का जो पीस है वो, और इनको मैंने इस तरह से पीस लिया। ये तकरीबन 6 से 7 टमाटर हैं जो मैंने काट के रख लिए हैं। ये इमली और आलू बुखारा मैंने भिगो के रखा हुआ। अभी मैंने जो चिकन है उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, लाइट ब्राउन करूँगी। ये देखें जी, ये इस तरह से ब्राउन हो गया, मैं इसको निकाल लूँगी, ठीक है। अब बाकी का मसाला बनाते हैं। ये देखो, ये मैंने प्याज इसमें डाल दिया है। अभी थोड़ी देर में मैं इसके अंदर, ये थोड़ा सा नरम हो जाए, लाइट ब्राउन सा जब हो जाएगा तो टमाटर और मैं वो जो हरी मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट है वो इसमें डाल के मसाला तैयार करूँगी। ये जो मैंने चिकन फ्राई किया था, ये जो मसाला मैंने बना के रखा हुआ है जितना भी, ये मैं इसके अंदर मिक्स कर, तकरीबन 1/2 घंटा मैं इसको यूं ही मसाले के अंदर रहने दूंगी ताकि अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब हो जाए, इसका टेस्ट आ जाए। चलो जी, रख देते डाल। ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट था और हरी मिर्च, ये मैंने सब कुछ डाल दिया। थोड़ी देर मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी ताकि ये इनकी खुशबू अच्छी सी आनी शुरू हो जाए। ये ज़रा मैं मसाला पेस्ट मतलब प्याज को ज़रा अच्छे से मैश कर लूँ। हमारा ना वो ब्लेंडर ख़राब हो गया हुआ है, तो मैं प्याज को उसमें मैश नहीं करती, मैं इसी तरह मेहनत कर रही हूँ आजकल। तो ये हो चुका है, अब मैं थोड़ी देर में बताती हूँ क्या करना। हमने 1/2 घंटा तक दिन भिगो के रखा हुआ था, अब इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। देखें इसकी जो बोटियाँ होगी ना, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए मसाला भी बिल्कुल ठीक मैश हो गया, बहुत अच्छा रेडी हो गया। एक्चुअली मैं ज़्यादा देर इसके ऊपर इसलिए नहीं रखती, मेरा ना वो बाल जो है वो हीटअप हो जाता है। जो चिकन है ये अब मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये नहीं, दही में जो हमने मसाला मिक्स किया हुआ था सारा कुछ इसमें गया। इसकी तो अभी बड़े मज़े की आ रही है। अब मैं इसको थोड़ी देर दम पे रखूँगी ताकि ये जो मसाला है ना वो भी अच्छे से हो जाए, और जो चिकन है उसमें भी अच्छे से जज़ब हो जाए। ये मैं टमाटर डालने लगी हूँ। देखो ये मेरा चिकन भी बिल्कुल रेडी है, मसाला भी रेडी है। अब इस स्टेज पे आके जो मैंने इमली और आलू बुखारा भिगो के रखा था वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखो ये गया। बस 2 मिनट लगाऊंगी और फिर मैं मसाला उतार के चावल बॉईल करके तो इसकी तह लगा दूँगी। ओके, अब मैं इसको किसी बर्तन में निकाल लूँगी और इसमें अब मैं जो चावल है उनकी तह लगाऊंगी, ठीक है। दिखाओ नीचे इस तरह से घी और मसाला थोड़ा सा, ये के राइस,
की बिरयानी में चिकन क्यों होता है? हमेशा बिरयानी में चिकन होता है, बस वेजिटेबल होती है वो भी नहीं आपको पसंद। अभी तो मैं चिकन डालती बहुत कम हूँ। लेकिन मुझे चिकन भी नहीं पसंद, लेकिन चिकन वाली बिरयानी पसंद है। शवारमा खाती है, सारा चिकन निकाल देती है, रोटी रोटी खा लेती है, जो उसकी ब्रेड होती है ना वो खा लेती है। मज़ा ही उसमें होता है। ये लो जी, चलो अब खेर रेडी। अब इसके ऊपर क्या डालना है? दोबारा कोई लेयर्स बनानी है। हाँ। ओ बड़े मुश्किल सा काम है। कोई मुश्किल नहीं है, जब ये इसका टेस्ट आ जाए ना, हाय हाय हाय। नहीं टेस्ट तो आएगा, इतनी देर जाके बनती है, इतनी देर बाद बंदे से वेट ही नहीं हो रहा था। ये तो है, जल्दी से बन जाए खाए बंदा। ये एक्स्ट्रा लेयर थोड़े थोड़े इसलिए डाल रही हूँ कि काफ़ी लेयर डालूंगी, दो दो लेयर्स हो गई है ना, इसके ऊपर भी दो डालूंगी। थोड़ा थोड़ा बेशक मसाला है लेकिन बहुत टेस्ट आता है, मुझे तो ऐसे ही पसंद है। बस बच्चों को पसंद आ जाए, करारी करारी करते हैं। कोशिश ही है मेरी तो, मेरा तो दिल ऐसे खा लूँ। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारी बिरयानी पक के रेडी हो गई है, चावल भी बिल्कुल ज़्यादा लग रहा है। बहुत मज़े की बनी थी, मैं पका कर मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी तो मैंने कुछ देर लेट गई, फिर दोबारा से ये वीडियो बनाई। ये देखो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार भी बनी है, बच्चों ने बहुत तारीफ की है। मैंने तो अब बाद में उठ के बाकी की वीडियो बनाई है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।